हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ और बहुत ही टेस्टी है। तो ये हमारी रेसिपी है आलू और सूजी की। आप लोग इसको क्या नाम देंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज मैं आलू और सूजी को, मैं तो ये कचौड़ी बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 आलू लिए हैं जो मीडियम साइज़ के हैं, और आलू मैंने उबाल करके ही लिए हैं। तो आलू उबाल करके लिए हैं और आलू को मैं कर लेती हूँ कद्दूकस। तो यहाँ पर मैंने बड़ा वाला जो छेद होता है वो मैंने यूज किया है, और आप चाहें तो इसको फोड़ भी सकते हैं या गिलास या कटोरी से। तो यहाँ पर मैं आलू को, सभी आलू मैं कद्दूकस कर लूँगी इसी तरीके से। तो यहाँ पर आलू हमारे जो कद्दूकस हो जाएंगे बहुत ही अच्छे रहते हैं, जिसमें कि महीन हमें जो आलू का मैं वो बनाऊंगी ना मसाला, तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है और ये मैं आलू रख देती हूँ एक साइड। और यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटा साइज का प्याज, और 2 चम्मच मैंने मटर ली है, और 2 से 3 हरी मिर्च काटी हुई है, और थोड़ी सी मैंने हरी धनिया काटी हुई है, ये भी रख देते हैं साइड। और इधर मैंने ले ली है 1 कटोरी सूजी जो बारीक वाली। और इधर मैं आई हूँ गैस की तरफ, तो यहाँ पर मैंने रखी है छोटी सी कढ़ाई गैस पे, और कढ़ाई को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ तेल, 1 छोटा चम्मच सा तेल डाला है मैंने। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। तेल अच्छे से हमारा गर्म हो चुका है, तो यहीं पर मैंने डाला है 1/2 चम्मच जीरा, और जीरा को अच्छे से चला लेते हैं और बढ़िया से चटका लेते हैं। तो अच्छे से जीरा हमारा चटक गया है, तो यहाँ पर मैंने 1 प्याज काटा था ना वो भी मैं डाल देती हूँ, और डाल करके अच्छे से पका लेते हैं। और पकाने के बाद में अब यहीं पर मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी जो मैंने हरी मिर्च काटी थी ना वो भी मैं डाल देती हूँ, और डाल के अच्छे से ब्राउन होने तक बढ़िया से पका लेते हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी बनती है दोस्तों, एक बार आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों को और बड़ों को तो बहुत ही पसंद है। आप सुबह नाश्ते में और या तो शाम के आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, तो यहीं पे मैं डाल देती हूँ 1 टमाटर, और यहाँ पर मैंने जो 2 चम्मच हरी मटर ली थी वो भी मैं डाल देती हूँ। और मटर तो इस समय बहुत ही अच्छी आ रही है, फ्रेश मटर आ रही है, तो मैंने ये फ्रेश मटर ली है। और यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है, तो यहीं पर मैं ले लेती हूँ मसाले भी। तो यहाँ पर मैंने पहले स्वाद अनुसार नमक डाला है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाली है चटपटे के हिसाब से, और यहीं पर मैं धनिया डाल देती हूँ, और 1/2 चम्मच से कम मैंने डाला है गरम मसाला, और यहीं पर मैं डाल देती हूँ 1/2 चम्मच हल्दी। और अच्छे से सभी मसाले मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करके बढ़िया से 2 से 3 मिनट तक बढ़िया से पका लेते हैं। तो ये 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी, और आप देख सकती हैं मैंने धीमी आंच में पकाई हुई है, और बहुत ही अच्छे से टमाटर जब गल जाएंगे ना तो हम डालेंगे आलू। तो यहाँ पर अच्छे से हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, टमाटर अच्छे से गल गए हैं, तो यहीं पे मैं डाल देती हूँ आलू। आलू जो मैंने कद्दूकस किए थे वो भी मैं डाल देती हूँ, डाल करके अच्छे से मसालों में मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करना है मसाले में, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ पकड़, और पकड़ से मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, जिसमें कि हमारी कढ़ाई में काना नहीं है। और दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिएगा, हमारे पास ज़्यादा बड़ी किचन नहीं है और हमारे पास पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। मैं कैमरा साइड में रख करके तभी मोबाइल से बनाती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिएगा। और आप देख सकते हैं किचन हमारी बहुत ही छोटी है, और मैं छोटे सी किचन में ये रेसिपी बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे आलू का बढ़िया सा मसाला तैयार हो गया, तो यहीं पे मैं डाल देती हूँ हरी धनिया, और हरी धनिया डाल करके अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद में 2 मिनट तक अभी और मैं चला लेती हूँ, और चलाने के बाद में अब मैं इनको, आलू को गैस कर देती हूँ बंद, और यहीं पे आलू मैं निकाल लेती हूँ 1 प्लेट में। तो गैस मैंने बंद कर दी है, और यहीं पर मैं ले लेती हूँ प्लेट, और प्लेट में मैं आलू निकाल करके रख देती हूँ ठंडे होने के लिए। यहाँ पर मैं इस प्लेट में निकाल लेती हूँ, और निकाल करके रख देती हूँ ठंडे होने के लिए। तो यहाँ पर कढ़ाई को मैं निकाल देती हूँ, हटा देती हूँ, तो फिर ये मैं रख देती हूँ ठंडी होने के लिए। तो ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे ना, तो इसकी हमें जो बॉल्स ही बनाना है वो अच्छे से बन जाएंगी। तो यहाँ पर मैं दोबारा फिर से कढ़ाई चढ़ाई हूँ, और जिस कटोरी से मैंने सूजी ली है उसी कटोरी से मैं 2 कटोरी पानी,
कढ़ाई में डाल देती हूँ और डाल करके रख देती हूँ, तो ये गुनगुना होने देती हैं। तो यहीं पे मैं इसमें नमक भी डाल देती हूँ और स्वाद अनुसार नमक डालूँगी, जिसमें कि आप सोच रहे होंगे इसमें भी नमक, तो दोस्तों नमक इसमें भी डालना है और आलू में हमारा नमक पड़ा है, तो यहीं पे मैं नमक डाल करके और गैस कर देती हूँ धीम, और पानी में हल्का सा गुनगुनापन आने लगा तो यहीं पे मैं ले लेती हूँ सूजी और एक हाथ से डालती जाती हूँ, एक हाथ से चलाती जाती हूँ जिसमें कि इसमें एक भी गांठ ना पड़े, और इसको चलाते हुए एकदम आटा की तरीके, जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें बनाना है। तो दोस्तों ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, आप बनाना मत भूलिएगा, एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। और आप देख सकते हैं हमारी सूजी एकदम बिल्कुल आटा के तरीके हो गई है। तो यहाँ पर मैं 5 मिनट के लिए इसको ढक कर के रख देती हूँ, जिसमें कि हमारी सूजी है ना अच्छे से फूल जाए। इधर हमारा जब तक सूजी हमारी बंद रखी है, तब तक मैं ये आलू का हमारा जो मसाला है एकदम बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी सी टिक्की साइज में बना लेती हूँ। अगर आप चाहें तो इसको बॉल की तरीके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी टिक्की अपनी बना कर के रेडी कर ली है, और इधर देख लेते हैं तो हमारी सूजी एकदम बढ़िया से फूल गई है। और फूलने के बाद में अब मैं निकाल लेती हूँ इसको भी एक प्लेट में, और इसको 5 मिनट के लिए रखती हूँ ठंडा होने के लिए, जिससे कि हल्की सी ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर ये हल्की सी ठंडी हो रही है और ये मैं रख देती हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए हल्की सी ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने हाथ में लगाया है तेल और इसकी मैं बना लेती हूँ लोई। तो जिस तरीके से हम आटा की कचौड़ी भरते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप देख सकते हैं इतनी ये मुलायम है मेरी सूजी कि एकदम बढ़िया से मुलायम है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको एकदम कचौड़ी की तरीके बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एक लोई ली और उसको हाथ से फैला ली, और फैला करके इस तरीके से मैं भर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं हम बिल्कुल बहुत ही आसान है ये सूजी की कचौड़ी बनाना। तो यहाँ पर मैंने बना ली है और इसी तरीके से मैं सभी कचौड़ी बना करके रेडी करती हूँ। तो यहाँ पर हमारी सभी कचौड़ी बन गई हैं और चलते हैं इनको फ्राई करने। तो यहाँ पर मैंने रख दिया था पहले से तेल, तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो यहीं पर मैं डाल देती हूँ एक एक करके कचौड़ी, और ये सभी कचौड़ी मैं एक एक करके डाल देती हूँ, जिसमें कि जितनी इसमें आ जाएंगी कढ़ाई में उतनी ही मैं डालूँगी। और अगर आप चाहें तो इसको स्टीम करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्राई करके बना रही हूँ और ये अच्छे से फ्राई हो जाती है, तो एक साइड अच्छे से सिक चुकी है, तो मैं पलटा देती हूँ और पलटाने के बाद इनको ब्राउन होने तक बढ़िया से सेकूँगी। तो यहाँ पर अच्छे से ब्राउन हो जाए, जिसमें कि हमारी जो कचौड़ी है ना एकदम बढ़िया से सूजी सी करारी सी बने, सूजी की कचौड़ी। तो यहाँ पर ये ब्राउन हो चुकी हैं, तो यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ इनको प्लेट में। तो ये देखिए हमारी निकल चुकी है और ये मैं दूसरा बैच भी इसी तरीके से तल लेती हूँ। तो दोस्तों बन करके हमारी सूजी की कचौड़ी तैयार है और बच्चे भी तैयार हैं खाने के लिए, तो आपको दिखा देते हैं। देखिए कितनी बढ़िया एकदम बनी हमारी आलू की और सूजी की कचौड़ी। तो दोस्तों ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। हर दिन मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।